आप देख सकते हैं आज मैं पहाड़ों के एक और फिर फॉरेस्ट में हूँ, प्रकृति की गोद में हूँ। और यहाँ पर कांफल जो आजकल काफी प्रचलित है, ये फल जो है उत्तराखंड का ये राज्य फल है। तो आप देख सकते हैं कि कांफल ये दो प्रकार के दिख रहे हैं। इसमें ये पौधा मुझे मिला है तो इसमें दो प्रकार के, ये जो हरा रंग का आप देख रहे हो, ये हरा रंग का कांफल अभी खट्टा होता है खाने में और फिर ये पक जाता है तब ये लाल हो जाता है। अब मैं एक हरे वाले को खा के देखता हूँ कि कैसा इसका स्वाद है। ओहो, ये तो चूक हो रहा है, चूक, बहुत ही खट्टा है। चलिए मैं अभी पका हुआ खा के आपको टेस्ट करता हूँ। तो ये अभी बहुत बढ़िया टेस्टी है, काफी खट्टा है। तो हम देखते हैं अब जरा पका हुआ काफल खा के, ये काफल है, बेहतरीन टेस्ट है। ये मीठा है जब पक जाता है और बिल्कुल ब्लैक कलर का हुआ है, पकने के बाद ब्लैक कलर का है, उसको खाने का जो आनंद है वो अपने आप में यूनिक है। वास्तव में बहुत टेस्टी है और अंदर काफ़ी मोटी गुठली है इसकी। ये गुठली वैसे भी इसको हम जब खाते हैं उसके बाद पानी पी लेते हैं तो फिर ये एकदम से डाइजेस्ट नहीं होती, आप समझ गए होंगे। वहाँ की आज मैं फॉरेस्ट में हूँ और आप देखते हैं आज कांफल पर बात हो रही है और ये उत्तराखंड का जो है राज्य फल भी इसको कहा जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस पौधा जो कांफल है, इसको बोलते हैं कांफल, बेबेरी के नाम से फेमस है। और ये काफल जो है आप देख सकते हैं वही 2000 से 3000 फीट की ऊंचाई पर ये पौधा पाया जाता है। और मायरिका एस्कुलेंटा, मायरिकेसी फैमिली का ये सदस्य है और काफ़ी आजकल मई और जून में इसका नाम रहता है। मई और जून में पूरे पहाड़ में बड़ा फेमस हो जाता है, बाकी साल भर तो इसका नाम कम सुनने को मिलता है। जो ये पकता है, बाजार में बिकता है, पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है, पर्यटकों को, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये पौधा अपने आप में एक नामी पौधा हो जाता है। बहुत शानदार पौधा है और आप देख सकते हैं अभी इसको मैं दिखाऊंगा इसके फ्रूट्स को। इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, इस पौधे को देख सकते हैं, करीब 15 मीटर का लगभग ये 15 मीटर ऊंचाई है। तो ये छोटा में भी फ्रूटिंग होने लगती है और खासियत यह है कि जब पौधा छोटा होता है तो वहाँ पर फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है, बड़ा इसका दाना होता है। और अगर बीच में इसको पानी मिल गया, बारिश हो गई, तो फिर बारिश के बाद तो और रसीला हो जाता है। तो ये बेबेरी है, इसका स्वाद भी हमने अभी लेंगे हम, इसका स्वाद बहुत अच्छा स्वादिष्ट है, आजकल मार्केट में ये बिकता है। इन सब पौधों को, इन पहाड़ के पौधों को दिखाने का उद्देश्य ये है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो भी कम से कम इन पौधों के बारे में जान पाए। हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि वो देखें कि यहाँ पर किस प्रकार की जैव विविधता है, इन पौधों का इम्पोर्टेंस क्या है और कहीं ना कहीं ये पौधे हमारी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। हमको हमारे बुक्स में, हमारे पुराने लोगों से इन पर गाने बने हैं, बहुत से पुस्तकों में इनका वर्णन है, अब तो लिटरेचर में इसका शोध कार्य इस पर हो रहा है। आप देख सकते हैं कांफल पका हुआ है, काफी कांफल लगे हुए हैं और इसका भी आनंद लेने को चल रहा है, बहुत बढ़िया हो रहे हैं, मीठे हैं, काफी मात्रा में है। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग इसको तोड़ने आते हैं, तोड़ रहे हैं, तो मैंने देखा इस फॉरेस्ट में जैसे ये टहनी है तो लोगों ने टहनी को ही तोड़ दिया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन प्लांट्स की जो एक कैनोपी है वही बदल दी है। तो इसको तोड़ना है, थोड़ा झुका लीजिए, लेकिन तोड़ना गलत है उसको। खूब ढेर सारे कांफल हुए हैं और इसके अंदर काफ़ी इसका बीचोल होता है, काफ़ी जो है कड़ा होता है इसका बीज, कठोर है काफ़ी, अपने आप नहीं जमनता, इसको भी चिड़िया खाती हैं, जब फिर बैठती हैं उसके बाद ही इसका भी जर्मिनेशन होता है। तो आप देख सकते हैं लगभग मायरिका की उत्तराखंड में, क्या इंडिया में 30 से 35 लगभग इसकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और काफ़ी अच्छा स्वादिष्ट फ्रूट हो रहा है। हम इसको नेचुरल कंडीशन में खा रहे हैं, फॉरेस्ट में से खा रहे हैं, उसके पेड़ में से खा रहे हैं। अब इसके बाद हम इनको कांफलों को घर ले आए हैं तोड़ के, आपने देखा इसको, तो इस तरह से थोड़े से कांफल हमने ले लिए हैं, इस तरह से कुछ हरे भी इसमें आ गए हैं। तो इसमें पहले हम थोड़ा नमक मिलाते हैं, ये नमक हमने पिसा वाला बढ़िया नमक बना रखा है, इस नमक को हमने इसमें मिला दिया, इसे हिला लेंगे इनको, इस तरह से नमक इसमें मिल चुका है। और इसके बाद जो इसमें दूसरी चीज डाली जाती है वो है सरसों का प्योर तेल, ये सरसों का थोड़ा सा ऑयल हम इसमें हल्का सा मिला देते हैं और इसके बाद इसको हम
इसे मिला लेते हैं, चाहे तो हम हाथ से मिला लें तो अच्छी तरह से मिल जाएगा। और इसको आप केवल 2 मिनट के लिए इसके बाद छोड़ दीजिए इसको। अब मैं इसको थोड़ा खा के देखता हूँ, बहुत ही बेहतरीन एक अलग टेस्ट हो गया। जो काफल पका हुआ पेड़ में हमने खाया था, उसके बाद ये नमक और ऑयल मिला के इसको खाया है, बेहतरीन टेस्ट आ रहा है, बहुत सुंदर, मीठा है, हत्ता खटास भी इसमें है। और आप देखते हैं आजकल जहां भी आप जाएंगे पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में, तो जगह जगह लोग इसको लेके बैठे रहते हैं, नमक भी उनके पास रहता है, तेल तो कम रहता है लेकिन नमक रहता है, नमक मिला के लोग खाते हैं। और काफी लोगों की, ग्रामीण हमारे साथियों की आजीविका भी है, वो इसको तोड़ के सुबह लाते हैं, फिर वो दिन भर इसका विपणन करते हैं, इसको बेचते हैं, पर्यटक बहुत लुत्फ उठा रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे सभी पेपर्स में, सोशल मीडिया में और इधर आपका चैनल्स में ये काफल का इसमें जो है काफी प्रचलन है। तो एक अद्भुत हमारा पौधा है, इसका संरक्षण भी हमें करना चाहिए और ऐसे पौधे हमारी शान है। धन्यवाद।